नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र के खड़हारा गांव के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप जब्त करने में सफलता पाई है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में उत्पाद विभाग की टीम ने 90 कार्टून विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शराब को वाहन में बनाए गए गुप्त तहखाने में छिपाकर लाई जा रही थी। शराब लाने में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। 90 कार्टून शराब बरामद। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की खेप दुमका से भागलपुर लाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में बाराहाट थाना क्षेत्र के खड़हारा गांव के समीप से 90 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है। शराब की खेप को वाहन में बने गुप्त तहखाने में छिपाकर दुमका से लाई जा रही थी। वाहन को जब्त कर शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त शराब की कीमत बाजार में लगभग 6.5 लाख के आसपास है। दुमका में शराब तस्कर को वाहन हैंडओवर किया गया था। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार चालक नंदू यादव ने बताया कि वह धनबाद का रहने वाला है और दुमका में वाहन हैंडओवर किया गया था। वाहन में शराब कहां लोड किया गया इसकी जानकारी गिरफ्तार चालक को नहीं है। उसे वाहन हैंडओवर कर भागलपुर ले जाने के लिए कहा गया था। उत्पाद अधीक्षक ने आगे बताया कि वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है कि उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। फिलहाल गिरफ्तार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वाहन जांच के क्रम में इसे पकड़ा गया है। इस टाटा 407 में एक बॉक्स बना हुआ है जस्ट केबिन के पीछे। वो बॉक्स करीब 6 फीट से अधिक गहरा है और 3 फीट के आसपास चौड़ा है। उसमें ये 90 कार्टून शराब जो है रखा हुआ था। हम लोगों ने उसे जब्त किया है, चालक को गिरफ्तार किया है। उसका कीमत 6.5 लाख के आसपास। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 मेहमदपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा विद्यालय की जमीन पर जल मीनार बनाई जा रही है, जिस कारण आने वाले समय में विद्यालय प्रोन्नति में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि सन 2017 में विद्यालय की भवन जर्जर हो चुकी थी, तब विद्यालय का स्थानांतरण वार्ड नंबर 8 कन्या मध्य विद्यालय में कर दिया गया था। विद्यालय की दूरी अधिक रहने की वजह से छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में बाधित हो गई है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार रंजन ने बताया कि विद्यालय स्थानांतरण के समय विद्यालय में कुल 201 छात्र छात्राएं नामांकित थे। स्थानांतरण के बाद कन्या मध्य विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति मात्र 60% हो रही है। बाकी छोटे छोटे छात्र दूरी की वजह से विद्यालय नहीं आ सके। इन्होंने बताया कि विद्यालय की जमीन पर बनाई जा रही जल मीनार के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित सूचना दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के द्वारा अथक प्रयासों के बाद जर्जर हो चुकी विद्यालय की मरम्मति कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अनिल झा ने बताया कि अगर जल्द ही विद्यालय की जमीन पर बनाई जा रही जल मीनार का कार्य को रोका नहीं गया तो मजबूरन ग्रामीण चरणवित तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड के बीच में अगर बना दिया जाएगा आने वाले भविष्य में बच्चों को परेशानी होगी। बांका जिले के फुली डुमर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खजूरी गांव के युवक की मौत राजकोट में बाइक दुर्घटना में हो गई। मृतक 19 वर्षीय उदय कुमार है, जिसकी मौत की खबर मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। जिसने सुना दौड़े दौड़े मृतक के घर आए। रो रो कर उसके पिता गणेश राणा एवं माँ उर्मिला देवी का बुरा हाल है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक राजकोट में किसी फैक्ट्री में काम करता था। बुधवार को अपने एक साथी के साथ किसी मंदिर में पूजा करने गया था। पूजा कर लौटने के क्रम में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों साथियों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक को एक छोटा भाई नीरज कुमार, बड़ी बहन जानकी कुमारी ज्ञानी कुमार एवं छोटी बहन सोंटी है। मृतक की बहन की शादी फरवरी महीने में तय की गई थी। उस शादी के लिए पैसा कमाने वह गया था। प्रोन्नत मध्य विद्यालय गोविंदपुर में गुरुवार को विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए प्रधान अध्यापक मोहम्मद इश्तियाक अहमद का सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय के शिक्षक द्वारा किया गया, जिसमें पंजवारा स्कूल के सभी विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक को फूल माला, अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और उपहार देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने विदाई गीत प्रस्तुत कर उन्हें विदाई दी। कार्यक्रम का संचालन प्रोन्नत कन्या मध्य विद्यालय पंचवारा के शिक्षक आदित्य कुमार झा ने किया। मौके पर उन्होंने शिक्षकों की ओर से अभिनंदन पत्र उन्हें सौंपा। मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक हरेन प्रसाद सिंह, प्रोन्नत मध्य विद्यालय गोविंदपुर के नए प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद जियाउल हक, वीनू सिंह, प्रियंका भारती, अहमद हुसैन, माधुरी देवी, आभा कुमारी, अखिलेश रामदास, रिजवान अहमद,
नारायणपुर स्कूल के सीआरसी मोहम्मद सलीमुद्दीन, पंचवारा स्कूल सीआरसी दिनेश मंडल, प्रमोद कुमार, रमेश कुमार, सुबोध यादव, चंदन पांडे, सत्यनारायण वैजनाथ झा, नाहिद नाथ, रेखा देवी, किरण देवी, सुनीता देवी, प्रियंका भारती, रमन कुमार, जयप्रकाश यादव, पूर्व मुखिया बाल मुकुंद बगबे, ग्रामीण मोहम्मद मुस्तफा, पंकज यादव, शंभू यादव, उमेश यादव सहित अन्य मौजूद रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।